वेल आज मेरे पास काफी सारे अपडेट है पूरी पॉप कम्युनिटी से। फर्स्ट ऑल बात कर लेते हैं सिस्टम की, तो उनके नई सॉन्ग की रिलीज डेट बताना लो। फर्स्ट ऑल यहाँ पे BTS देख लो, कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकल के आया जो कि इस बार काफी खतरनाक तरीके से शूट हो रहा है। एंड साथ ही मैं यूज पोस्ट कर देख रहा हूँ अमेरिका का एंड इंडिया का, तुमको पता होगा कश्मीर अमेरिका से एंड एमसिस्टन इंडिया से। एंड साथ ही लास्ट पोस्ट करते हैं ओवर रिलीज लाइन अप दिस मई, एंड यहाँ पे तुम लोग एक पिक्चर देख रहे हो जो कि शूट किया एमसिस्टन बीच में, एंड कम से कम 300 से ज्यादा यहाँ पे लोगों को बुलाया गया था। एंड तुम लोग समझ रहे हो इस बार का जो सॉन्ग होने वाला है सारे रिकॉर्ड करने वाला है, काफी खतरनाक तरीके से शूट हो रहा है, नेक्स्ट लेवल लाइक काफी खतरनाक तरीके से शूट हो रहा है। तो तुम लोग समझ सकते हो क्या ही खतरनाक रिकॉर्ड बनाने वाला है। आज तक के एमसिस्टन के जितने म्यूजिक वीडियो है, जितने लोग याली म्यूजिक वीडियो आप लोग को देखने के लिए उतने अभी तक एमसिस्टन के साथ लाइक कोई में नहीं था, तो याला सॉन्ग तुम लोग समझ सकते हो तबाहीदार होने वाला है जो कि ईद तक आ जाएगा। साथ ही कश्मीर पोस्ट करते हैं बॉम्बे ड्रीम, एंड आगे तुम लोग इंडिया का फ्लैग देख रहे हो तो वो हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, तो समझ लो आपका वेट खत्म होने वाला है, काफी खतरनाक इनका एल्बम आने वाला। बात कर लेते रफ्तार युहानी सिंह के बारे में, रात में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था रफ्तार, तुम लोग देख रहे हो एंड अभी भी काफी सारा हिट रफ्तार को मिल रहा है। तो रिसेंटली हनी सिंह ने फिर से एक बार रिएक्ट करा जो ट्रोल कराया था हनी सिंह, साथ में ये पूछा गया बादशाह एंड हनी सिंह को कंपैरिजन कराया था जब हनी सिंह गायब थे, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला, क्लिप दोनों देख लो। नहीं देखो, किसी की कोई जगह नहीं ले सकता, पहली बात किसी की कमी पूरी कोई कर सकता है लेकिन किसी की कोई जगह नहीं ले सकता। तो उस आदमी ने भी अपना हार्डवर्क किया, मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है, कोई तुक्का नहीं चला। तो आई विश हिम ऑल द लक। मैं 7 साल के लिए गायब रहा, लोग 7 हफ्ते के लिए गायब होते तो उनको भूल जाते। मेरे फैंस ने ट्रोलिंग क्या करनी थी, मेरे फैंस ने तो इतना प्यार दिया, मेरे म्यूजिक को अलाइव रखा, हर रेडियो में हर पार्टीज में मेरे गाने बजते रहे, मैं गायब था। Correct. तो अगर वो लोग ना होते तो मैं वापस ही नहीं आ पाता। जहाँ तक ट्रोलिंग का सवाल है और क्रिटिसिज्म का सवाल है, वो शुरू से मेरे साथ बहुत होती रही, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। अपना फोकस रहता हूँ, मेरे को ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट अपडेट किंग की तरफ से निकल कर रही, उनका न्यू म्यूजिक वीडियो आने वाला है, सबसे पहले ट्रेलर देख। क्वालिटी काफी खतरनाक लग रही है। तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना किंग एक ही सॉन्ग बार बार निकालने अलग अलग तरीके से, तुम लोग इसके बारे में क्या कहोगे। लास्ट के लिए मेरे पास इतनी अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाला प्रेस कर लेना डेली अपडेट्स के लिए। बाय बाय, पीस आउट।